कि ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। ये सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया, इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया, उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम ये बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में, और उनके FIR को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब यह मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं, अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही है मामला। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।